हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस। सो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस एंड वर्कशीट नंबर 51 करेंगे और यह वर्कशीट आपका 4 नवंबर 2020 के लिए है। आज आपका हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर ही कंटिन्यू चल रहा है। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। फ्रेंड्स, इस चैनल पे आपको 1 से 2 दिन पहले आपको वर्कशीट की सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दी जाती है, ताकि आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू बेहतर तरीके से बोर्ड के लिए प्रिपरेशन करते रहिए। ओके फ्रेंड्स, तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेम ऑफ द स्टूडेंट अपना नाम लिखिए और नेम ऑफ द क्लास टीचर। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन आपको पढ़ना नहीं है, हेरिडिटी आपको सिर्फ पढ़ना है। तो देखिए मेंडल एक्सपेरिमेंट, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये क्या है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। फ्रेंड्स, मेंडल यूज प्लांट्स डैट वर प्योर ब्रीडिंग फॉर ए ट्रेट एंड कंसीडर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। मेंडल ने प्लांट का यूज़ किया था ब्रीडिंग के लिए और ट्रेट कंसीडर किया था, जो उनके कैरेक्टर जो है ना, कैसे कंट्रास्ट किया था। ओके फ्रेंड्स, ही क्रॉस प्लांट्स विद द कंट्रास्टिंग द कैरेक्टर्स एंड स्टडीड द प्रोगनी ऑफ द फर्स्ट जनरेशन एंड सेकेंड जनरेशन एंड कैलकुलेटेड रेशियो ऑफ द प्लांट विद द कंट्रास्टिंग द कैरेक्टर। अर्थात ये जो जॉन ग्रेगर मेंडल था, इन्होंने मटर के बीज के पौधों को लिया और उसने जो है ना क्या किया, जो कई अटेम्प्ट में जो है ना उसको क्या किया, फर्स्ट जनरेशन सेकेंड जनरेशन में, और उसके बाद इनके कैलकुलेशन किया, ठीक है। और कैलकुलेशन करने के बाद ये किस तरह से लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो करता है, इसको बताया उन्होंने, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अब आपको यहाँ देखना है मेंडल एक्सपेरिमेंट, उसने क्या किया था। तो मेंडल विथ हिज केयरफुल एक्सपेरिमेंट अनकवर्ड द सीक्रेट ऑफ हेरिडिटी और हाउ द पेरेंट्स पास कैरेक्टर्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। मेंडल जो है ना, उन्होंने केयरफुली जो क्या एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने अनकवर्ड किया सीक्रेट को जो है ना, जो हेरिडिटी, जो कैसे एक पेरेंट्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो एक उनके बच्चों में ऑफस्प्रिंग्स में होते हैं, ठीक है। Mendel noticed that the plants in his garden were not with the blend of the parents. उन्होंने नोटिस किया जो उसके गार्डन में जो प्लांट है, ठीक है, वो ब्लेंड नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ए टॉल प्लांट एंड शॉर्ट प्लांट हैड ऑफस्प्रिंग दैट वर ईदर टॉल और शॉर्ट बट नॉट मीडियम इन हाइट। टॉल प्लांट जो है ना शॉर्ट और हाइट होता था, लेकिन मीडियम हाइट में नहीं होता था, ठीक है। सच ऑब्जर्वेशन लेड मेंडल टू द रिसर्च फर्दर। ही डिसाइडेड टू एक्सपेरिमेंट विथ पी। उन्होंने डिसाइड किया जो एक्सपेरिमेंट किसके साथ के, पी प्लांट यानी मटर के पौधे के साथ। टू फाइंड आउट हाउ कैरेक्टरिस्टिक्स आर इनहेरिटेड, कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स इनहेरिटेड किए जाते हैं। मेंडल एक्सपेरिमेंट विद द ऑलमोस्ट द 30,000 पी प्लांट ओवर नेक्स्ट सेवरल ईयर्स। वो कई सालों तक जो है ना 30,000 प्लांट मटर के पौधे को जो है ना क्या क्या उस पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू करते रहा। अब आप यहाँ देख पा रहे हैं दोस्तों, बेस्ड ऑन द हिज एक्सपेरिमेंट ही फॉर्मुलेटेड सम लॉज विच आर वेरी इंपॉर्टेंट इन स्टडिंग अबाउट द हेरिडिटी एंड इनहेरिटेंस। इफ वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ प्लांट दैट वर द क्रॉस पॉलिनेटेड with the true breeding for the violet flowers with the plant true breeding with the violet white flowers, the resulting hybrid in the one generations all over the violet flowers after self pollination in F2 generations 3/4 of the plants had the violet flowers while 1/4 had the white flowers, so approximately the ratio of the 3:1 आया था। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये जो आप गूगल से लिया गया, यहाँ इस वर्कशीट में बताया गया, जो ये इमेज गूगल से लिया गया, तो आप गूगल से भी इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। वाइट फ्लावर और वायलेट फ्लावर्स का कम्बिनेशन पी जनरेशन में क्या था, क्रॉस किया था द ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट्स के साथ, ठीक है दोस्तों। तो ये F1 जनरेशन में ये कैसा हुआ और ये F2 जनरेशन में कैसा हुआ। अब देखिए लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है, इसे आपको समझना बहुत ज़रूरी है, ये मोस्ट बीबीआई है फॉर आपके एग्जाम में। द मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस स्टेटस डैट इन द हेट्रोजाइगोट when the two chromosome in the homologous pairs are different, that is one is the dominant and other is recessive। एक डोमिनेंट होगा और एक रेसेसिव होगा। जब क्या होगा, जब क्रोमोसोम का क्या होता है अल्टीमेटली समझिए ना ट्रांसफर और डिफरेंट होता है, ठीक है। one trait characters with the conceals the presence of another trait for the some characteristics rather than the both the alleles contributing to the phenotypes। the dominant alleles will be expressed exclusively। अब आप इसको दोस्तों आप देख पा रहे हैं द रिसेसिव एलील विल द रिमेन द साइलेंट बट विल बी द ट्रांसमिटेड टू ऑफस्प्रिंग बाय द सम ऑफ द मैनर इन विच द डोमिनेंट एलील इज द ट्रांसमिटेड। द रिसेसिव ट्रीट will only be the expressed by the offspring that have two copies of their alleles। these offsprings will breed through when the self cross। the dominant क्या होता है दोस्तों, ये आपसे पूछा जाता है as it is one marks में पूछा जाता है। तो the trait which express itself during a one generation, वो trait जो a one generation के साथ खुद ब खुद एक्सप्रेस करता है, जैसे राउंड सीड एंड वायलेट कॉलर्ड फ्लावर जो अभी किया था उसे डोमिनेंट कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, और रिसेसिव क्या होता है, द ट्रेट विच इज मास्क्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट एलील्स। एग्जांपल रिंकल्ड सीड्स एंड वाइट कलर। रिंकल्ड सीड जो आप देख सकते हैं जैसे मटर होता है तो उसमें थोड़ा सा गड्ढा गड्ढा सा हो जाता है, ठीक है, तो रिंकल्ड सीड हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए आपको देखना लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है। व्हाट इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। The Mendels observed that the traits which were absent in the F1 generation had reappeared in the F2 generations। This law explained that the pair of the alleles segregate from each other during the gametes formation, so that the only one allele will be present in each gametes। Mendel proposed this law after the observing the plant with the different traits produce the offspring that all express the dominant trait, but the following generation express the dominant and the recessive trait in 3:1 genotype ratio में आया था। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका अभी सॉल्यूशन में ये क्वेश्चन है उसमें आपका क्लियर कर देंगे अभी, ठीक है दोस्तों। अब देखिए लेट्स प्रैक्टिस। व्हाट आर द डोमिनेंट एंड रेसेसिव एलील्स। ड्रॉ द स्केच ऑफ द मोनोहाइब्रिड क्रॉस शोइंग द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। डिफाइन हेट्रोजाइगस और ए ट्रेट मे बी इनहेरिटेड बट मे नॉट बी एक्सप्रेस। जस्टिफाई योर आंसर्स। आइए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। क्लास 10 साइंस वर्कशीट 51 सॉल्यूशन इन इजी वे। ओके फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको 1 से 2 दिन पहले वर्कशीट की सॉल्यूशन दे दी जाती है ताकि आप अपने स्टडी को कंटिन्यू बेहतर तरीके से कर पाए। आप जानते हैं जो बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आप लोग सेल्फ स्टडी ज़्यादा करना पसंद करेंगे और करते हैं होंगे, आई होप। चलिए तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। व्हाट आर द डोमिनेंट एंड रेसेसिव एलील्स। डोमिनेंट द ट्रेट विच एक्सप्रेस, यहाँ जो है ना दोस्तों ये क्या ट्रेट है, ये क्या आप लिखेंगे द ट्रेट विच एक्सप्रेसेस इटसेल्फ ड्यूरिंग ए वन जनरेशन। एग्जाम्पल राउंड सीड एंड वायलेट कलर्ड फ्लावर। वो क्या होता है डोमिनेंट होता है, ठीक है दोस्तों। वो क्या होता है डोमिनेंट होता है। आप एक बार फिर से आपको मैं बता दूं, ये आपको क्या लिखना है, इसे ट्रेट लिखना है, ठीक है दोस्तों। क्या लिखना है ट्रेट। recessive the trait which is masked by the plant presence on the dominant alleles। example wrinkled head seed and the white colored flower, ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप देख सकते, ड्रॉ द स्केच ऑफ द मोनोहाइब्रिड क्रॉस शोइंग द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसको स्केच ड्रॉ करना है, ठीक है दोस्तों। तो इसको मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ ये रहा। आपको इसे अच्छे से क्या करना, बना देना, ठीक है। देखिए आपको मोनोहाइब्रिड प्रेजेंट पेरेंट्स है एलील पेयर ऑफ जीन्स गैमेट्स और F1 जनरेशन फर्स्ट फिलाल जनरेशन और सेल्फ पॉलिनेशंस F1 गैमेट्स F1 जनरेशन। ये फिनोटाइप और जीनोटाइप है। ये फिनोटाइप रेशियो 3:1 है और जीनोटाइप 1:2 होता है, ठीक है दोस्तों। ये कैसे, ये देखिए टॉल प्लांट है, डार्क प्लांट है। तो ये कैसे ये हुआ है, ठीक है, मतलब ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस सेक्शन, तो इसको आपको बना देना है। अब हम क्वेश्चन नंबर कितना, थर्ड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड अभी हमने देखा, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, डिफाइन द हेट्रोजाइगस, बहुत ही आसान है, इट्स टू इजी। हेट्रोजाइगस देखिए दोस्तों, हेट्रोजाइगस इज ए स्टेट इन विच एन ऑर्गेनिज्म हैज़ इनहेरिटेड डिफरेंट form of a particular gene from each one of the biologically parents। okay friends, तो ये आपका हेट्रोजाइगस हो गया। अब फोर्थ देखते हैं, फोर्थ बहुत आसान है, यहाँ से आप देख लीजिए। देखिए फोर्थ क्या है, ए ट्रेट में बी इनहेरिटेड बट मे नॉट बी एक्सप्रेस, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विथ एन एग्जाम्पल। देखिए yes it is possible that a trait is inherited but may not be expressed, for example when pure tall pea plant are the cross with the pure dwarf pea plant, only tall pea plant are the obtained in a one generation में पाया गया। one selfing a tall plant of a one, both tall and dwarf plant are the obtained in two generations in the ratio 3:1, the reappearance of the dwarf character and the recessive trait is a one two generation shows that the dwarf trait was present in individuals of a one but it did not express। so friends, अगर आप हमारे चैनल पे नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस चैनल पे आपको वर्कशीट 1 से 2 दिन पहले सॉल्व करके प्रोवाइड कर दी जाती है, और आप बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आपको बहुत ही अच्छा फ़ायदा होगा और आप पढ़ाई करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो।